अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। जी, जो सलमा की वीडियो आई है आंसर की, जो सुलह वाला टाइटल था, आप लोगों को पता है ना, कल ही वीडियो आई है, तो इसके ऊपर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे बहुत सारे मैसेज आए और बहुत सारे पॉइंट भी लिख के लोगों ने भेजे कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ और हमारे पॉइंट भी ज़रूर इसके अंदर रेस करना। तो एक छोटी सी वीडियो है और आप लोग एग्री करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, सलमा ने ये बोली है कि जो मेरे सपोर्टर थे उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैं उनके लिए दुआ भी करती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं रोज़ क्लियर करने के लिए आऊँ तो दूसरे साइड के लोग मुझे जीने देंगे। तो इसका जवाब अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे आती भी आ रही है कि हम लोग ये बात सोचें कि हम अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो दूसरी साइड के लोग हमें जीने देंगे। चलो सलमा तो ये सारा वाइंड अप करके फिर चली गई, लेकिन जो लोग सपोर्ट में थे वो लोग तो आज तलक के उनका जीना हराम हुआ पड़ा है। किसी की पर्सनल चीज़ें तो किसी को गाली गलौज, तो किसी को बददुआएं, तो किसी के चैनल ख़राब कर देना, किसी के चैनल उड़ा देना, इतना सब कुछ हुआ। वो सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ ये बोलना कि वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अब इसका मैं क्या ही बोलूं कि मतलब कि खुद को मतलब ये किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि मेरे पीछे कोई ना पड़े। ठीक हो गया फिर तो मतलब वही है ना कि इंसान का दिमाग खोल दिया सामने वाले ने कि अपने आप को बचाओ भाई, दुनिया जाए भाड़ में। अच्छा, ये बोलना कि मेरे बच्चे हैं, मुझे घर में सर्वेंट नहीं है, मुझे अकेले ही पूरा कुछ हैंडल करना होता है, मतलब के बोलने का मतलब ये था कि मैं तो अकेली हूँ और मैं इतनी शार्प माइंडेड नहीं हूँ और मैं ये सारी चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सलमा तुम गलत बोल रही हो कि तुम इतनी कमज़ोर हो कि तुम सारी चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकती हो। जो औरत अपने आदमी को रिटर्न अपने पास ला सकती है ना, उससे ज़्यादा मजबूत औरत मुझे नहीं लगता कोई होगी। हाँ, अगर कि तुम अपना रिश्ता नहीं बचाती ना, नहीं संभाल पाती, तुमने खुद ने स्टेप लिया कि घर वाले अगर तुम्हारे पे भरोसा नहीं किए थे, तुम्हें साथ नहीं दिए थे, तो तुम्हारा कैसे मतलब दिमाग में आ गया कि तुम्हें वाइटी पे लेके जाना चाहिए ये चीज़। अगर के दुनिया के सामने ये बातें आएंगी तो तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और दुनिया के सामने जब बातें आएंगी तो असगर भाई भी शर्म के मारे ज़रूर तुम्हारे पास में लौट के आ जाएंगे। तो ये बोलना कि मेरे पास में दिमाग नहीं है, इतना शार्प दिमाग नहीं है, ये बातें एकदम गलत हैं। दूसरी बात के मैं अकेले घर संभालती हूँ, तो मतलब सलमा के पास में इतना टाइम भी नहीं है और ना इसके पास में इतना दिमाग है। तो जो लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया है, सिर्फ चैनल वालों की बात नहीं कर रही हूँ, वो ऑडियंस की भी, जो हम अगर लाइव लगा के बैठते थे ना तो हम अकेले नहीं बैठते थे, कमेंट में भी ना बहुत सारे लोग होते थे, वीडियो देखने के लिए भी बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे लोग थे जो दुआएं कर रहे थे। तो क्या उनके घर नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे? वो लोगों के पास का जो टाइम था वो फिजूल टाइम था। ये बोलना कि मैं अपने बच्चे देखूं या मैं ये सब करूं, तो वो लोग भी अगर वो टाइम पे ऐसा सोचते कि हम हमारा घर और बच्चे देखें या हम इस औरत के लिए दुआ करें, इसको इंसाफ दिलाने के लिए हम आवाज़ उठाए, तो फिर सोचो कि आज आप कहाँ होते। तो ये ऐसे ही बोलना ना, ऐसा लग रहा है कि कोई सेल्फिश इंसान बात कर रहा है। तो थोड़ा सी ना अपने जो अल्फाज है ना उनको सोच समझ के बोलो। मुझे तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बहनों ने आपका सपोर्ट किए थे, साथ दिए थे, वो लोगों को ना हार्ट होगा आपकी इन बातों से। और मैं बोलती हूँ ना, अच्छा दोस्त अच्छी बहन वही होती है जो गलतियों के ऊपर पर्दा डालने की बजाय उस चीज़ को ना बताए कि आपने यहाँ पे ये गलती की है। जब पता चलता है कि ये है ना अंधा सपोर्टर नहीं है, ये बिका हुआ सपोर्टर नहीं है। ठीक हो गया, ये गलत बात है कि मेरे बच्चे है, मेरे घर में सर्वेंट नहीं है। तो आज के टाइम पे है ना, जो बाहर कंट्री में है उनके पास कोई सर्वेंट नहीं होती है जहाँ तक कि मुझे पता है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना उनके पास में भी कोई सर्वेंट नहीं होते है। माशाल्लाह उनके भी घरदार है, बच्चे है, बल्कि पता नहीं कितने लोग है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे है, और आपने भी स्ट्रगल किए है, वो हमने देखे है। और अब जाके आपका थोड़ा चैनल चलने लगा है, तब जाके आप थोड़ा घर में बैठ पाए हो, और ये सब है ना उन बहनों की दुआ है, उन बहनों का साथ है जो लोगों ने अपने बच्चे घर वगैरह सब चीज़ों को एक साइड लगा के आपके लिए दिन रात खड़े हुए हैं, आपके लिए दिन रात दुआएं की है। और ये वाली बात के बच्चे दिखाती हूँ तो कंटेंट है, घर दिखाओ तो कंटेंट है, मस्जिद नबी दिखाओ तो कंटेंट है, ऐसे बोल के लोग आपको ट्रोल करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। ये सारी है ना आपके चैनल की, आपके वीडियो की जान है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मस्जिद नबी
और मलाकों के लिए देखते हैं, जो कि लोग बहुत प्यार करते हैं मलाकों से, और मस्जिद नबी को देख के लोगों के ख्वाहिश आप पूरी कर रहे हो, उनकी आंखों पे ठंडक भेज रहे हो। तो इस चीज़ के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा, यही चीज़ें तो आपके वीडियो की जान है, तो ये तो दिखाना ही है। बाकी सलमान ने ये भी बोली कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हर दिन गिराने की कोशिश की जाती है, मैं हर दिन अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती हूँ। तो एकाध दो लोगों के अलावा मुझे नहीं लगता है कि अब सलमा के ऊपर कोई बातें करता है। सारी कुछ चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है वाइटी से, सबके अपने पर्सनल, पता नहीं किसी का कुछ तो किसी का कुछ चल रहा है। बस एक वो गंदी औरत है जो ना ही तो सितारा सपोर्टर है, ना ही तो वो सलमा सपोर्टर है, ना ही तो वो न्यूट्रल है। वो बस एक सलमा के पीछे लगी रहती है, और एक अकबर फैमिली के जो पागल औरत है फटा ढोल, और एक जो पिटारा की टांगे पकड़ी हुई है, बस यही दो तीन औरतें हैं। और अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जिस तरह से पहले गंद हुआ था, जिस तरह से बातें हुई थी, ट्रॉलिंग हुई थी, इतना गंदगी हुई थी, वो हिसाब से अभी तो मैं बोलती हूँ ना 1% भी नहीं हो रहा है। और ये बोलना कि रोज़ मुझे कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, तो ये कौन है जो आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं समझ आई ये वाली बात की। अच्छा देखो, एक तरफ तो सलमा ने ये बोली कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं आके इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकूँ, मेरे घर में बच्चे है, ये है वो है। फिर बाद में सलमा ने ये भी बोली कि मैंने अपने आप से लड़ी हूँ, मैंने 5 बच्चे लेके अकेले लड़ी हूँ, मेरी जंग जो थी वो मैंने अकेले लड़ी हूँ। तुम स्ट्रांग हो कि नहीं हो, वो दोनों बातें आपने वीडियो में रख दी कि मैंने अकेले लड़ी हूँ। अगर अकेले लड़े हो मीन्स कि तुम स्ट्रांग हो, फिर ये बोलना कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे आके रोज़ रोज़ रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, मेरे ऊपर रोज़ रोज़ ट्रॉलिंग होती है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता। तो आप एक तरफ ये बोल रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और आप एक तरफ ये बोल रहे हो कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तो ये दोनों बातें नहीं समझ में आई। दूसरी बात कि मैंने अकेले लड़ी हूँ 5 बच्चों के साथ, तो ये भी नहीं समझ में आया कि किस वे में आप बोल रहे हो, खानदान वालों के वे में बोल रहे हो, हस्बैंड से अकेले लड़े हो बोल रहे हो, या आप दुनिया में किसी ने सपोर्ट नहीं किया ये बोल रहे हो। क्योंकि हस्बैंड से भी आपने अकेले नहीं लड़े हो, खानदान वालों से भी आपने अकेले नहीं लड़े हो, और दुनिया वालों ने भी आपका बहुत सपोर्ट किए हैं, चाहे वो दुआ से हो, चाहे बातें करके हो, चाहे मतलब कि हर वे में आपको लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तो ये बात भी मेरे नहीं समझ आई कि मैंने अकेले लड़ी हूँ, किस वे में आप अकेले लड़े हो ये ज़रूर बताना। जब खानदान वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो YT पे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करके खानदान वालों की बैंड बजा दिए। पिटारा के साथ में उसका खानदान था, लेकिन आपके साथ में अल्लाह के भेजे हुए बहुत सारी बहनें थी, बहुत सारे भाई थे, जिसमें से 80% तो मैं बोलती हूँ छोड़ के जा चुके हैं। मैं अपने आप को नहीं बोल रही हूँ कि मैंने सपोर्ट की हूँ, खाली बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किए थे। जो लोग नहीं कर रहे थे ना, वो लोग भी सपोर्ट करने पे आ गए थे। जो लोग पिटारा के सपोर्टर थे वो भी सलमा को सपोर्ट करने आ गए थे। फिर ये बोलना कि मैंने अकेले लड़ी हूँ, ये बात भी मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, इस बात को लेके ना मेरी कुछ बहनें बोल रही थी कि वो खानदान वालों का बोल रही है कि घर वालों ने सपोर्ट नहीं किए। तो घर वालों ने अगर सपोर्ट, अगर वो खानदान वालों का बोल रही है तो खानदान वालों से भी तो लोगों ने लड़े ना। और ये तो खानदान वालों के लिए तो वीडियो ही नहीं थी ना, वीडियो तो थी जो लोग सवाल उठा रहे थे, जैसे मैं हो गई और योग हो गई और हमारे कुछ व्यूअर्स हो गए वो पैनल पे आके, और ये सारा कुछ करके वो लोग सवाल उठा रहे, तो उनको आंसर दिया जा रहा है, ना कि खानदान वालों ने कोई वीडियो बनाई है या लाइव लगाई है या सवाल किए हैं जो ये उनको आंसर देंगी। तो ये बात का मुझे नहीं समझ आया। और रही बात के सलमा इस बात को क्लियर कर रही है कि मैंने हस्बैंड से क्यों सुलह कर ली, 5 बच्चों के साथ में मैं अकेली हो जाती है वो, तो ये बात तो हम भी लोगों को समझाते हैं। जब लोग बोलते हैं कि सुलह क्यों कर ली, डिवोर्स दे देना चाहिए था, ये वो, तो ये बात तो हम भी बोलते हैं कि भाई इसके 5 बच्चे हैं, वो लेके कहाँ पे जाती, ना ही तो उसको घर वालों ने कोई सपोर्ट था, ना ही वो सऊदी में रह सकती थी, तो जाहिर सी बात है सुलह ही करेंगी। लेकिन हाँ, लोगों के ये फिर आंसर ज़रूर आए, ये कमेंट ज़रूर आया कि अगर के जब पहले से पता था कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मतलब मेरा काम नहीं हो सकता, ना मैं पाकिस्तान जा सकती हूँ, ना मैं सऊदी में रह सकती हूँ, तो फिर ये चीज़ लाना ही नहीं चाहिए था। अगर केस नहीं करना था, ये सारा कुछ नहीं करना था, तो फिर पहले नहीं सोचा था ये चीज़ कि मुझे सुलह करनी है। तो इसके ऊपर मेरा आंसर ये है कि बकौल सलमा के अजगर भाई पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थे, अच्छे नहीं थे, बीवी को बच्चों को पूछते नहीं थे, मुँह बनाते थे, हाथ उठाते थे, आए दिन घर में झगड़ा करते थे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब वो समझ ही नहीं रहे थे और वो गलत कर रहे थे बच्चों के साथ, सलमा के साथ,
तो इसके लिए इसने लेकर आई थी वाईटी पे ये बात, और उसका नतीजा ये निकला कि अजगर भाई 80% 70-80% सुधर गए। ये है आंसर। बाकी जो आपको सही लगे वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी सलमा ने ये भी बोली कि जो मुझे देख रहे हैं आप लोग, मुझे अपनी जगह पे रख के देखो, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ, मैं मतलब मेरे पे क्या गुजरी है ये वो। तो बिल्कुल सलमा, वो दर्द को मैंने महसूस किया है, मैंने समझी हूँ, क्योंकि वो टाइम पे हम साथ थे और मुझे पता है कि वो टाइम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कठिन गुजरा है। लेकिन जिस तरह से आपका तवक्कल है अल्लाह के ऊपर, तो बल्कि आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम आपके साथ में इससे ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। लोगों की हंसती खेलती फैमिली उजड़ जाती है। आप लोग अगर स्नैपी गर्ल को देख लो, तो उसके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके दो दो हस्बैंड गुजर गए, वो अकेले स्ट्रगल कर रही है, ना ही तो उसको ससुराल वाले सपोर्ट में इतना ज़्यादा ये करते हैं, ना ही इतना बड़ा कोई खानदान है, ना ही तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका दुख जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे सलमा का दुख छोटा लगता है कि चलो अल्लाह ने एक चांस के लिए ऑप्शन तो था ना कि हाँ असगर सुधर जाएगा, और माशाल्लाह वो सुधर भी गया। तो बार बार ये सब करके ना लोग ऐसा बोलते हैं कि सलमा आप है ना अपनी पुरानी चीज़ों से ये करना चाहती हो, याद दिला के फिर सिंपत्ति लेना चाहती हो। तो मेरी जान आप है ना बहुत ज़्यादा अल्लाह पे तवक्कल रखती हो, तो शुक्र अदा कर अल्लाह का कि कम से कम आपके साथ में उतना बुरा नहीं हुआ जितना और भी लोगों के साथ में हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्नैपी गर्ल को आगे रखूँगी, और वैसी बहुत सारी औरतें हैं दुनिया में। तो बस अब उस चीज़ को रिपीट करके अपनी तकलीफ़ को मत बताया करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपके साथ में उतना बुरा नहीं हुआ जितना और लोगों के साथ में भी हुआ है। हाँ बुरा तो हुआ है यार, मैंने देखी हूँ, मैंने सुनी हूँ सलमा को रोते हुए, और लोगों ने बताया है कि कैसे चीख चीख के रोती थी, नैना ने बताई थी, याद है आप लोगों को। तो वो तकलीफ़ से तो सच में, वो बोलते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा जानता है, तो वो तकलीफ़ सच में बहुत बुरी थी। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सब कुछ ठीक हो गया, और उतनी बड़ी तकलीफ़ नहीं आई कि आप ठीक ही नहीं कर सकते थे। अब मुझे नहीं पता कि कौन एग्री करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन जो सच है और जो रखना चाहिए बात, वो मैं रख रही हूँ। बाकी सलमा ने एक बात और बोली कि आपको ब्लॉग में सब अच्छा अच्छा दिखता है, मैं 24 घंटे का ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। मतलब वो ये जताना चाहती थी कि अभी भी वो कुछ तकलीफ़ में है, कुछ चल रहा है उसकी ज़िंदगी में जो कि वो दिखाती नहीं है। तो मीन्स के असगर भाई अभी भी गलत कर रहे हैं, ये बताने की अगर कोशिश कर रही हो, तो फिर देखो वही बात है ना कि आप ज़रा सी बात करके जाओगे ना, फिर दूसरे लोग है ना उस बात को उठाते कि आप क्या बुरा हो रहा है, क्या वापस से असगर भाई या सितारा के चक्कर में पड़ गए हैं, या आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, या आपको मारते हैं, या आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपने ये चीज़ बोली है कि मैं 24 घंटे का वीडियो नहीं दिखाती हूँ। तो लोगों के सवाल है, ये वाला सवाल तो किसी बहन ने की है कि आप ये आंसर ज़रूर करना, तो ये सवाल मैंने कर ली। बाकी सुलह वाली बात को लेकर सलमा ने ये बोली कि अगर सुलह होगी तो मैं खुद आके बता दूंगी, मैं खुद बोल दूंगी, अभी कोई सुलह की गुंजाइश नहीं है, और जो कुछ हुआ है तो सुलह की गुंजाइश हो भी नहीं सकती है, लेकिन कभी सुलह हुई तो मैं खुद आकर बताऊंगी। और सलमा ने ये भी बोली कि अगर के पिछले साल भी, हाँ पिछले साल भी ये सुलह 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 वाली बात निकली थी, ये साल भी यही बात निकली थी। तो देखो बिना कोई बात निकले ही इंसान बात नहीं करता है। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था वो वॉइस लीक हुई थी, जिसके अंदर सलमा बोल रही थी कि सुलह ही सुलह है, मगर वाईटी पे नहीं है। वो वॉइस आप लोगों को याद होगी, वो वजह से पिछले साल बातें उठी थी और लोग बोल रहे थे कि पिटारा के साथ में सुलह ही सुलह है, सलमा ने बोली है। जब मैंने पता लगाई थी, मैंने पूछाई थी, मैंने सलमा से पूछाई थी, तो सलमा ने बताई थी कि वो क्या नाम है नदीम वाली बात थी, कि नदीम से अम्मी की सुलह ही सुलह है। तो ये बात निकली थी, इसके लिए हमने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किए थे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं थी जहाँ पे सितारा का नाम लिया गया हो। और ये साल अगर बात निकली है तो वो कपड़ों को देख के निकली है, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका वीडियो डालना, गोंचू की कम्युनिटी लगाना, ऐसा लग रहा है जैसे प्री प्लान करके किया गया हो। लेकिन हाँ मुझे पता है ये प्री प्लान नहीं हो सकता, पता नहीं है, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि अगर देखो प्री प्लान होता तो फिर इनको क्या सलमा को फंसना है और ज़्यादा अपने ऊपर बातें करवानी है, जो ये वही टाइम पे वीडियो डालेंगी जो टाइम पे वो कम्युनिटी लगाने वाला है। हाँ उसकी कम्युनिटी मेरे को लगता है पहले लगी है, बाद में सलमा का वीडियो आया है, 2-2.5 या 1-1.5 घंटे का कुछ फ़र्क था। तो बाकी देखो आप लोग के कितना स्मार्ट है गोंचू और पिटारा, के उन लोगों ने ना ही तो उन लोगों के ऊपर किसी ने बात किया, ना ही तो उसके सपोर्टरों ने इस तरह की कोई लाइव लगाई, लेकिन उसने फ़ौरन फ़ौरन आके कम्युनिटी डाल दी। तो यहाँ पर मैं नहीं मानती हूँ कि दोनों ने मिल के एक ही टाइम पर कम्युनिटी और वीडियो डाले, मैं नहीं मानती।
बाकी ये साल बात इसलिए निकली है कि वो कपड़े जो थे वो दिखाई दिए, और भी कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा लग रहा है कि दोनों जने मिले हुए हैं, सुलह हो गई है, वो दिख रहा है ऑडियंस को, इसके लिए ये बात निकली है। अगर आप अम्मी के आने के बाद में अगर आप दिखा देते, एक वीडियो बना देते कि अम्मी ने हमारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आज वो कपड़ा देखने के बाद में उस चीज़ को उठाता, बिल्कुल भी कोई नहीं उठाता। लोग बोलते हैं कि हाँ भाई सलमा ने तो पहले ही बताई है कि अम्मी ने गिफ्ट लेकर आई, तो अगर लोगों ने अगर ये सवाल उठाए हैं तो एवं ही नहीं उठाती है, कुछ चीज़ देखने के लिए मिली है तो उनका हक बनता है सवाल उठाने का, और वो भी आपके प्यार करने वाले सवाल उठाए हैं, ना कि कोई आपको हेट करने वाले, नफरत करने वाले जो आपके पीछे पड़े हुए 2.5 साल से, वो लोगों ने सवाल उठाए। तो यहाँ पे कुछ दिखा है तभी सवाल उठा है, जो आपने बोला ना कि पिछले साल भी सुला सुला, ये साल भी सुला सुला, तो कुछ सामने आएगा तो लोग बातें तो करेंगे, लोग सवाल तो करेंगे ना। अब मुझे एक यहाँ पे ये क्वेश्चन था मेरी एक प्यारी सी बहन का, कि अगर के ये सारा कुछ दोनों बहनों ने प्री प्लान नहीं किया है तो पिटारा ने क्यों नहीं दिखाई वो बैग जो गिफ्ट से भरा हुआ था। पिटारा ने सिर्फ एक छोटा बैग दिखाई कि अम्मी ये बैग लेके जा रही है, दूसरा बैग उसने दिखाना ज़रूरी नहीं समझी। और जब अभी देखो यहाँ पे ना ये बात आती है, मेरी एक बहन ने बोला कि पिटारा के डर से ना उन्होंने गिफ्ट दिए लेकिन मना कर दिया होगा कि दिखाना मत, वरना जो पिटारा के सपोर्टर है वो उसका बुरा करेंगे, वो उसके साथ में कुछ मतलब उसको छोड़ के चले जाएंगे, उसका सपोर्ट छोड़ देंगे, तो ये वजह से सलमा को अम्मा ने मना कर दी थी कि गिफ्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब पिटारा दिखाने के लिए मना कर सकती है तो पिटारा ने खरीदने से नहीं रोकी, और वो टाइम पे जो हमारा गुस्सा था इसकी अम्मी के ऊपर इसी चीज़ को लेके था ना, कि सऊदी से गई थी तो उनके लिए बराबर गिफ्ट खरीद के लेके गई थी, लेकिन जब वहाँ से पाकिस्तान से सऊदी आई तो सलमा के लिए उनके बच्चों के लिए क्यों नहीं लेके आई, हमें बुरी लगी थी ये बात। अगर ये बात ये वीडियो में दिखा देती तो आज इतना मुद्दा भी नहीं उठता, और हमारे लिए हमारे दिल को भी अच्छा लगता कि हाँ अम्मी ने सलमा के बच्चों के लिए भी लाई, क्योंकि हम है ना सलमा से ज़्यादा ना बच्चों के लिए फ़िक्रमंद थे, उनके लिए हमें बुरा लगता था, उनसे हमारी ज़्यादा मोहब्बत थी, तो वो चीज़ दिखाना चाहिए था, तो आज है ना ये चीज़ इतना हंगामा नहीं होता। बाकी वो टाइम पे अगर अम्मा ने मना की थी कि मत दिखाना, मत मेरा नाम लेना, ये चीज़ YT पे नहीं आनी चाहिए, तो फिर इस वीडियो में कैसे ये बात को बताया गया, मतलब कि सलमा के ऊपर ये बात आ रही थी, सलमा की और सितारा की सुलह की बात निकल रही थी, तो फिर ये बात को खोला गया कि अम्मी ने गिफ्ट लेके आई है, तो अब नहीं सोचा गया, अब पिटारा ने पाबंदी नहीं लगाई, बस ये क्वेश्चन है। एक और आंसर था मेरी ही एक प्यारी सी बहन का, जो सलमा ने बोली है कि इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे कि मुस्तफ़ा के लिए दुआ करो, तो मैंने दुआ कर दी। तो हमारी बहुत सारी बल्कि बहनों ने ये बोला कि कल को आपको इतने सारे मैसेजेस आएंगे कि सुलह कर लो सुलह कर लो, तो क्या आप सुलह भी कर लोगे? आपको अगर कोई मैसेज करके बोलेगा कि पिटारा को माफ़ कर दो, या सामने से माफ़ी मांग लो, या उसके घर चले जाओ, उसके मिन्नतें तरले कर लो, तो क्या आप कर लोगे? ये आंसर और ये सवाल मेरी बहनों का है। बाकी हाँ ये भी सलमा ने बोली है कि ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जो मेरे वेल विशर है वो लोगों ने मैसेज किए, तो मैंने ये वीडियो बनाई। हालांकि YT पे इतना सब हो रहा था, लेकिन वो चीज़ के लिए इसने वीडियो नहीं बनाई है। इसने वीडियो क्यों बनाई है? इंस्टाग्राम पे किसी ने बोला, समझ के बाहर थी ये बात भी मेरे। खैर दूसरी बात, जब कपड़े की बात आई तो सलमा ने ये भी बोला कि मैं किसी का भी वीडियो नहीं देखती हूँ, मुझे नहीं पता किसने ख़रीदा किसने दिखाया। अम्मी ने लेकर आई थी ना अपनी नवासी के लिए गिफ्ट, तो उसने जब पहनने लगी तो हमने दिखा दिए, अगर मेरे दिल में ऐसा कुछ होता तो मैं नहीं दिखाती। तो मेरी जान आपको वही टाइम पर दिखाना चाहिए था जो टाइम पर लेकर आया गया था। अगर कुछ डर था कुछ खौफ था इसके लिए नहीं दिखाया गया, या मना किया गया था इसके लिए नहीं दिखाया गया, तो वो अलग बात है। रही बात दुआ की, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप हर किसी के लिए दुआ कर देते हो, जो लोगों ने आपका बुरा किए है ना, आप उन सब के लिए दुआ करते हो, चाहे फिर उसमें मरियम हो, चाहे फिर उसमें वो लोग हो जो आपको ट्रोल कर रहे थे, उनके पैनलों के जो लोग है वहाँ पे जाके जो लोग आपके ऊपर क्वेश्चन आंसर करते थे, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, वो अगर गुजर जाए या उनका कुछ हो कोई बीमारी वगैरह हो, तो आप उन सब के लिए दुआ करते हो। हाँ ये बात तो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हो। अभी देखो एक बात के ऊपर जो सलमा ने बात की है ना कि आप लोग मुझे ट्रोल मत करो, आप लोग अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे सवाल मत करो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो कि जो लोग प्यार करते हैं अगर उनके दिल में आपके लिए नफरत आ रही है, या आपके लिए कुछ ऐसा आ रहा है कि आप झूठे हो, या आप पलट गए हो, या आपने झूठ बोला था, या आप झूठ बोल रहे हो,
तो वो नफरत लेके चुपचाप बैठ जाए, आपके पास से हट जाए, आपके लिए दिल में जहर कर ले। इससे बेहतर है कि वो लोग सवाल कर ले, आप क्लियर कर दोगे, उनका दिल साफ हो जाएगा, ना कि वो लोग चुप हो जाए, वो लोग सवाल नहीं करे। और देखो वाईटी पे हो ना, ये जो बोल रहे हो ना कि मेरी ट्रोलिंग मत करो, यहाँ पे है ना बहुत लोगों की, बहुत क्या बल्कि सभी लोगों की ट्रोलिंग हो रही है। कोई एक बंदा बता जो जिसकी ट्रोलिंग नहीं हो रही होगी, जिसके ऊपर सवाल नहीं उठते होंगे, जिससे लोग क्वेश्चन नहीं करते होंगे, तो ये बात गलत है। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि सवाल उठना और ट्रोलिंग वगैरह तो होगा ही होगा। हाँ ये अलग बात है कि सबसे कम अब, हाँ क्या पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी सलमा के ऊपर, लेकिन अब है ना सबसे कम बात सलमा के ऊपर होती है, क्योंकि इसकी वीडियो में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो अपनी नॉर्मल सी ब्लॉगिंग कर रही है, तो बहुत कम ट्रोलिंग होती है सलमा की। लेकिन ऐसी कोई चीज़ आती है तो जाहिर सी बात है ना, यार लोगों का हक बनता है सवाल उठाना, ताकि सलमा जवाब दे और उनका दिल साफ हो जाए सलमा की तरफ से। ये है सिर्फ, देखो कितने बड़े बड़े यूट्यूबर है, हर कोई इस चीज़ से गुजर ही रहा है। अगर जिससे भी बर्दाश्त नहीं होता है ना ये सब चीज़ें, तो फिर उनको वाईटी पे काम करना बहुत मुश्किल है, वो फिर काम नहीं करना चाहिए, कोई और काम करना चाहिए, ये बात होती है। बाकी बहुत बड़े बड़े चैनल है जिनके ऊपर भी बातें होती है, जिनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है कि आपके ऊपर बात ना हो या आपके ऊपर सवाल ना हो। और इस चीज़ का जवाब मैं इसके लिए दे रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी सलमा ने जो वीडियो बनाई थी मलापों को लेके, जो वीडियो बनी थी उसके बाद में ये आई थी एक्सप्लेन करने, तो ये वो टाइम पे भी बोली थी कि मुझसे सवाल मत किया करो, मुझे ट्रोल मत किया करो। खैर ट्रोलिंग किसको बोलते हैं, ट्रोलिंग तो यहाँ से किसी ने भी नहीं किया है, ट्रोलिंग उसको बोलते हैं जो गाली गलौज दी जाए, जो हुई है पिटारा के जो सपोर्टरों ने किए है ना, पिटारा के बोलने पर जिसके बच्चों को आप दुआ दे रही थी, वो होती है ट्रोलिंग। सीधा सा सवाल करना उसको ट्रोलिंग नहीं बोला जाता है, ये तो आप आपके प्यार करने वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि आप लोग मेरी ट्रोलिंग कर रहे हो, बहुत गलत बात है, ये नहीं बोलना चाहिए था। बाकी इस चीज़ के ऊपर तो मुझे बात करना मेरा बनता ही नहीं है, मेरा दिल ही नहीं हो रहा है कि मेरे बच्चे कमेंट देखते हैं, मेरे टीनेजर बच्चे हैं, तो लोगों ने यही बात की ना कि जब आप ये मुद्दा लेके आए थे तो क्या वो टाइम पर आपके बच्चे कमेंट नहीं देखते थे, वो टाइम पर आपने नहीं सोचा। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि सलमा को इन सब चीज़ों के लिए या तो आप कमेंट डिलीट कर दो, या आप कमेंट बॉक्स ही बंद करके रख लो अगर आपसे ये सारी चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती है तो, क्योंकि वाईटी है और आप वीडियो डाल रहे हो, कोई कितना भी अच्छा पॉजिटिव वीडियो डाल दे वहाँ पे कोई ना कोई तो ज़रूर कमेंट करेगा। सभी लोग अच्छे नहीं हो सकते, सभी एक इंसान को पसंद नहीं कर सकते, सभी को आप खुश नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सलमा ने यह भी बोली है कि आपको मेरे वीडियो नहीं अच्छे लगते तो आप मेरे लिए ऐसे ऐसे कमेंट करते, इससे बेहतर है कि आप लोग मेरे वीडियो ही ना देखो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप YouTube चैनल चला रहे हो, आपके बच्चों के लिए आप काम कर रहे हो, तो कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपको अगर कमेंट नहीं अच्छे लग रहे तो आप डिलीट कर दो। दूसरी बात के जो लोग आपको बहन समझते हैं, आपसे प्यार करते हैं ना, तो वो लोग आपको आपकी गलती के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी ये गलती है वो गलती है, वही होता है सच्चा दोस्त और वही होते हैं सच्चे रिश्ते। लेकिन आपको अगर इस चीज़ से बुरा लगता है तो क्या ही कर सकते हैं ना। अगर मैं मेरी बात करूँ तो पिटारा के सपोर्टरों की तरह मैं नहीं हूँ, ठीक है। कि मैं देखो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना तो इंसान सोचता है चलो छोटो छोड़ो अवॉइड करो, हो जाता है, गलती से हो गया होगा, लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं थी जो कि कपड़े का स्कैन ना जो सामने आया और जो वॉइस लीक हुई थी। वॉइस के टाइम पे तो चलो मैंने पता लगा के फिर वो आंसर मैंने दे दी थी, लेकिन कपड़े का मुझे खुद को ही नहीं पता था तो मेरा सवाल करना तो बनता था ना। तो फिर मैं यही समझती अपने आप को कि हम पिटारा की तरह, पिटारा के सपोर्टरों की तरह हर एक चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ चाटना और गलतियों को छुपाते जाना ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आखिरत भी तो देखनी है ना, मर के अल्लाह को मुंह भी दिखाना है। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। और इतनी कोई बड़ी गलती नहीं बता दी है, इतना कोई क्वेश्चन नहीं कर दिए जो इतने हार्श वर्ड बोले गए हैं कि मुझे ट्रोल कर रहे हैं और ये सारी बातें, तो बस अब क्या ही बोलूँ। आज तो मेरा वीडियो इतना ज़्यादा लॉन्ग हो गया है कि मैं क्या बताऊँ, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों की राय ज़रूर देना कमेंट में, लेकिन इतना याद रखना कि यार मैं कोई सलमा की ना दुश्मन हूँ और ना ही तो मेरे दिल में उसके लिए कोई प्यार कम हुआ है। बस एक बोलेंगे ना, देखो अगर सलमा सितारा को एक और मौका देती है ना तो उसमें उसकी ही आने वाली ज़िंदगी के लिए फिर से वो फ़िक्र करे। तो बस यार थोड़ी सी वो सारी चीज़ें दिमाग में आती है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। समझदार है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा दिमाग दिया है अल्लाह ने, जो मर्जी करे। जो मेरे और मेरे बहनों के आंसर थे और जो
दिमाग में आ रहा था वो सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बता दी हूँ, और वीडियो लॉन्ग हो गई इसके लिए सॉरी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।